इवोल्यूस प्राइमेसी प्रिंटर के हेड को कैसे क्लीन किया जाए, रबर रोलर्स को कैसे क्लीन किया जाए और क्लीन रोलर को कैसे क्लीन किया जाए आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। सबसे पहले प्रिंटर करेंगे ऑफ, फिर पीछे से पावर केबल निकालेंगे, फिर आगे से रिबन। यह है क्लीनिंग स्वैब और यह है इसका स्पॉन्ज और यह है प्रिंटर का हेड। इसको स्लोली जब आप प्रेस करेंगे या स्क्वीज करेंगे तो यहाँ पे लिक्विड आएगा और वो लिक्विड हमें हेड के ऊपर अप्लाई करना है ताकि स्लोली जब इसे रब करेंगे तब इसका जितना भी डर्ट है, डस्ट है या स्मॉल रिबन के पार्टिकल्स हैं तो वो इस स्पॉन्ज पे अटैच हो जाएंगे और आपका हेड क्लीन हो जाएगा, प्रिंट डार्क आएगा। सबसे पहले प्रिंटर को कर लीजिए ऑन, उसके बाद पैनल को ओपन करके रिबन निकाल लीजिए और उसके बाद अपनी क्लीनिंग स्वैब लीजिए और इन रोलर्स को क्लीन कीजिए। क्लीनिंग करने के लिए हम लोग इस बटन को प्रेस करके रखेंगे जिसके कारण ये रोलर्स नॉन स्टॉप चलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर हम हमारी जो क्लीनिंग की जो स्टिक है उसे हल्के से प्रेस करेंगे जिससे से रोलर की क्लीनिंग हम लोग स्लोली करते जाएंगे। इससे सारे डस्ट पार्टिकल्स, रिमन के छोटे टुकड़े या फिर कोई मिट्टी या फिर कोई दूसरी धूल आपके रोलर से क्लीन हो जाएगी। यहाँ प्रिंटर के अंदर दूसरा रोलर अंदर की तरफ छुपा हुआ है तो आप उसे इस तरफ पलटाएंगे और फिर से यहाँ नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, प्रेस करके रखेंगे। अंदर की तरफ है चार रोलर, 1, 2, 3, 4 और बाहर की तरफ है एक रोलर। बटन को प्रेस करके रखेंगे और हमारे क्लीन साथ इसे क्लीन करेंगे। एक और छठा रोलर यहाँ अंदर की तरफ छुपा हुआ है, इसे कहते हैं क्लीनिंग रोलर। अगली वीडियो में इस फिर पीछे की तरफ से लिड ओपन करके रिबन को निकालेंगे। अंदर की तरफ इस बड़े गियर को सबसे पहले घुमाएं और तब आपको यहाँ हमारा क्लीनिंग रोलर दिखेगा। तो यहाँ पे एक लीवर है, लीवर को जब आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो इसका लॉक मैकेनिज्म ओपन हो जाएगा और अब आप इस रोलर को निकाल सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारा मैल जमा हुआ है, अब इसे निकालना कैसे है? इसके लिए सबसे पहले आप लेंगे नॉर्मल सिलिकॉन ट्रांसपेरेंट टेप, ब्राउन टेप नहीं लेंगे, ओनली ट्रांसपेरेंट टेप लेंगे और उसे इस तरह से गोल घुमाएंगे ताकि जितने भी इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, रिबन के टुकड़े हैं, पीवीसी के कोई छोटे पार्टिकल्स हैं वो सारे आपके रबर से निकल जाएं। आपको ओनली एंड ओनली ट्रांसपेरेंट टेप यूज़ करना है और अगर आपने ब्राउन टेप यूज़ किया तो आप नया रोलर ही खरीद लीजिएगा क्योंकि वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। एंड कम से कम 1 मिनट तक ऐसे गोल घुमाने से इस तरह की फिनिशिंग और इस तरह से साफ सफाई आ जाएगी। एंड सिमिलरली यहाँ का जो लॉक मैकेनिज्म है इसे पीछे की तरफ पुश कर रोलर को अंदर घुमा दीजिए और प्रिंटर को एक बार ऑफ करके ऑन कर दीजिए, आपका प्रिंटर तैयार है। मैं हूँ अभिषेक विद अभिषेक प्रोडक्ट्स और ये है हमारा शोरूम। ऐसे ही और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी करने के लिए आप हमारे शोरूम विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और भी प्रोडक्ट्स के अपडेट ले सकते हैं। अगर आप हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.abhishekid.com पर जा सकते हैं या फिर आप हमें नीचे कॉमेंट्स के अंदर लिंक मिलेगा आपको जिससे आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये सारी मशीन्स, मटेरियल एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज़ आपके लिए अवेलेबल है।